दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर सतना से है, जहां सुबह 5 बजे रीवा ईओडब्ल्यू की 25 सदस्यीय टीम ने छापेमारी कर प्रदूषण विभाग के वैज्ञानिक सुशील मिश्रा के मिली करोड़ों की बेनाम संपत्ति का खुलासा किया है। कार्रवाई अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। रीवा जिले की ईओडब्ल्यू की टीम ने सतना के मारुति नगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर में दबिश दी। अब तक 30 लाख नकद और भारी मात्रा में जेवरात के समेत करीब 1 करोड़ रुपयों की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक टीआई मोहित सक्सेना और प्रवीण चतुर्वेदी के नेतृत्व में 25 सदस्यीय ईओडब्ल्यू की टीम ने आज सुबह तड़के सतना पहुंची, जहां सुबह 5 बजे से ही कार्रवाई जारी है और अब तक से घर से 30 लाख नकद और स्मार्ट सिटी से लगा हुआ 7 एकड़ का फार्म हाउस 25 लाख रुपयों से ज्यादा की कीमत के सोने चांदी के जेवर मिले हैं। अधिकारी घर में बैठकर नोट गिनते नजर आ रहे हैं। आगे की कार्रवाई के बाद करोड़ों की बेनामी संपत्ति उजागर हो सकती है। इसमें मैंने बताया कि अभी इनका फार्म हाउस का जो कमरे हैं उसकी तलाशी नहीं हुई है और लगातार कागज मिलते जा रहे हैं। अभी तो केवल 12 जमीनों की रजिस्ट्रियाँ मिली हैं, जबकि जो है और जो अभी उनको अध्ययन किया जा रहा है उन कागजों का, तो शाम तक संभावना है कि कई और करोड़ों की ज़मीनें उनके पास से मिलेंगे कागज। कितने ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है और कितनी सदस्यीय टीम लगी? मूलतया ये इनका मुख्य घर मारुति नगर सतना में है, जो कि वहाँ की बड़ी प्रमुख कॉलोनी है। वहाँ पे सर्च कार्रवाई चल रही है और इसमें हमारी टीम में 2 इंस्पेक्टर हैं, 4 सब इंस्पेक्टर हैं और करीब 25 सदस्यीय टीम इसमें सर्च कार्रवाई कर रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।